सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। त्रिशूलचंद्रा ही धरे महा
शववाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोऽस्तुते मयूरकुक्कुटमिते महाशक्तिधरे नगे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमोऽस्तुते शङ्खचक्र गदा शारद्विहिता परमायुधे प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तुते गृहीतोऽग्र महाचक्रे दशाधृतवसुन्धरे वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तुते नृसिंहरूपेण अग्रेण हन्तुं दैत्यान्कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तुते किरीटिणि महावज्र सहस्रनयनज्वले वृत्रप्राण हरे चन्द्रे नारायणि नमोऽस्तुते शिवधूते स्वरूपेण हस्तदैत्र महाबले घोररूपे महारवे नारायणि नमोऽस्तुते दशाकरालभजने शिरोमालाविभूषणे चामुण्डे मुण्डमथुने नारायणि नमोऽस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये शद्धे पुष्टि स्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमोऽस्तुते वेदे सरस्वती भरे भूतिभ्रभ्रभितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते द्वयव्यस्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते एतत्र वदनं सौम्यं लोचनद्वयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तुते ज्वालाकरालमत्यग्रामशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नः भेदभद्रकाली नमोऽस्तुते हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वलेनापूरेखा जगत् सा गङ्गा पातु नो देवे पाप्यभ्यो नः सुधानिव असुरा सगमसा पङ्कचर्चितस्य करज्वलः शुभाय कनको भवतो चन्द्रिके त्वां नताभयम् रोगा न शेषा न महसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति एतात्कृतं यात् कदनं त्वयाध्या धर्माद्विषां देवि महासुराणाम् रूपेणनेकैर्भूतात्वमूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकराति कान्यां विद्यासुशास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाधेषु वाक्येषु जगात्वदन्यां मम त्वदर्चेति महान्धकारे बिभ्रामयते तदतीह विश्वं रक्षासि यत्राग्रविशाश्च नागा यत्रारयोदस्वबलानि यत्र दावानलो यात्र तदाब्धिमध्ये तत्रास्थिता त्वं परिपाशि विश्वम् विश्वेश्वरि त्वं परिपास्ति विश्वं विश्वात्मिकाधारयसेति विश्वं विश्वेशवन्ध्यां भवते भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्रा देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीतेन नित्यं यथा सुरभजा धनुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पातपाकजनिताश्च महापसर्गान्
प्रदानान्दसिद्धत्वं देवि विश्वातिहारिणि त्रिलोकवासिनामि लोकानां वरदा भव देभ्यो वाच वरदाहं स्वर्गना वरं जन्मनः शत त्वं हृदयत्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् देवावोचुः सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्वद्वैरिविनाशनम् देव्यो वाच देवस्वयन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भानि शुम्भश्चेवान्यामुत्पत्स्येरासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनि पुनप्रतिरोधेन रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हरिष्यामि व्यप्रचिता सुदानवान् भक्षयन्ता शतानुग्रान् व्यप्रचितान् महासुरान् रक्ताधन्ता भविष्यन्ति दादिमी कुसुमोपमाः कतो मां देवता स्वर्गमर्त्यलोके च मानवाः सुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवार्षिक्या मना वृष्ट्या मनभसि मुनिभिः संस्तुता भूमा सम्भविष्यामि योनिजा तदा शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनि कीर्तयिष्यन्ति मनुजः शराक्षिमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकम् आतं देह समुद्भवे वरिष्यामि सुरशर्गिरावृष्टिः प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातं तदा यस्यामहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम् दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा वीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षान्ति भक्षयिष्यामि मुनीनां प्राणकारणात् तदा मा मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा अरुणाख्ये त्रैलोके महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्ख्ये षट्फलं त्रैलोकसहितार्थाय वदिष्यामि महासुरम् भ्रामरीति च मालोका सुधा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरि संशया ओ सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिवगुह के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं आरती के इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपके मनोकामना को आपके मनोरथों को पूर्ण करें जय आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होता है विद्वानों द्वारा
आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपके अवधि के लिए, आपके उन्नति के लिए, आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा मैं विभूति की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही, सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले ही, धन धन की वृद्धि करने वाले ही। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा मैं भगवत की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होती है, दीर्घायु को प्राप्त होती है, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इसमें जगजन्य माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरणों में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। ध्यान ॐ विद्युद्धाम समप्रभा मृगपते स्कन्धस्थितां भेषणां कन्यां विहितरभालखेत विलसत् हस्ताभिरासेभृतां हस्ते शक्रगदासिखेत विशिखाश शापं लुणं तर्जने बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ दिभ्युभज देवीस्तविश्चमानित्यं सौषधयः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयम् मधुकेटभनाशं च महिषासुरघातनं तीर्थयिष्यन्ति एतद्वद्वदं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश नवम्यां चैकचेतसः शोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहत्तमोत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोक्ता न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न च वेष्टविराजनम् शत्रुतो नाभयं तस्य दस्यतो वा न राजतः न शस्त्रान्नलतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्ममेतन्माहात्म्यं पठेतभ्यं समाहितैः श्रोतभ्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्थैतत् उपसर्गानशेषास्तो महामारे समद्भवान् तथा त्रिविधमुत्तातम् आहात्म्यं शमये मम यत्र यत्रद्वद्धते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्षामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् बले प्रधाने पूजायाम् अग्निकारे महोत्सवे सर्वं मे तच्चरितम् उच्चार्यं शाप्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृताम् प्रतिशिष्यामहं प्रीत्या भग्निहोमं तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यामेतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वाबाधाभिर्मुक्ता धनधान्या सुधान्वितः मनुष्यामत्वसाधेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्त्यः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्मया पुमान् विभवः संशयं जान्ते कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसमाहाक्रममशम्भताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गः शमं जाते ग्रहपीडा च दारुणाः दुःस्वप्नं च मे दृष्ट सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहा विभूतानां बालानां शान्तिकारकम्
संघात भेदे जनना मैत्री कर्णमत्तम दुर्भित्रा नाम शेषाना मलहाने करम परम रक्षा भूत विशाजाना पठना देवनाशनम सर्वम ममेतन महात्म मम सन्निधि कारकम पशु पुष्पार्ग धूपेश्च गंध दीपेस्तोत्तमे विप्राणाम भोजने होमे प्रोक्षणीय हर दिशम अन्वेष विविधैर्वागे प्रदाने वत्सरे नया प्रीतिर्मे क्रियते सकृ सुचरेषु से श्रुतम हरति पापानि तथा रोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं जन्मे दुष्ट दैत्यानिवर्हणम् तस्मेषु भयं वंसां न जायते युष्माभिस्तयो जाश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतास्तासो प्रयच्छन्ते शुभामते अरन्धे प्रान्तरे वापि दावाग्नि परिवारितः दस्युभिर्भावृता शून्य गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वावनहस्तिभिः राज्यारुद्धेन च जप्त्वा मध्या बन्धा कदापि वा आघोनितो वा मात्रेण स्थिता पोते महानवे पतसु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे वृषदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदना व्याधिकोऽपि वा समर्ममे तच्चरितं नरामुच्चेत सङ्करात् मम प्रभावा सिंहराजादस्य वो भैरिणस्तदा दूरादेव पलायन्ते स्मर्तश्चरितं मम ऋषुर्भाच इत्युक्त्वा स भगवते चण्डिका चण्डविक्रम पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तधीयत एभि देवानिरातङ्कः स्वाधिकाराङ्गता पुरा यज्ञभागभुजा सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपो युधि जगद्विध्वंसने तस्मिन् महाग्रतुलविक्रमे विशुम्भे च महावीर्ये शेषः पातालमाययुः एवं भगवते देवे सायित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् यैरन्मोयते विश्वं सेव विश्वं प्रसूयते सा जायिका च विज्ञानं तुष्टारुध्यं प्रयच्छति व्याप्तं तत्सकलं ब्रह्माणं मनजेश्वर महाकाल्या महाकाल महामारे स्वरूपया सेवकाले महामारे सेवसृष्टिर्भवत्यज स्थितिं करोति भूतानां सेवकाले सनातने भवकाले निनां सेवा लक्ष्मी वृद्धि वृदा गृहे सेवा भावे तथा लक्ष्मी विनाशायोपजायते सुधा सम्भूयिता पुष्पे धूपगन्धादिविस्तथा ददाति वित्तं पुत्रां च मतिं धर्मे गतिं शुभाम् ओ अत्सद्धकुञ्जिकस्तोत्र शिव उवाच शृणु देवे प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डे जापः शुभ भवेत् नाकवचं नार्गला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकम् नासूक्तं नापि ध्यानं च नान्यासो न च भाषणम् कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत् अतिहूयतरं देवे देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन सुयोनिरिव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं संवरोच्चाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्ध्ये कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ग्लौं ह्रूं क्लीं ह्रूं सः ज्वालय ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वलहं सं लं सं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्धिनि नमः केतवहारिण्यै नमस्ते महिषासिनि
नमस्ते शुंभ हंत्रे चाने शुंभा सुरघातिनी जागृतम हे महादेवे यमं सिद्धं करिष्यामि हेकारी सृष्टि रूपाय हेकारी प्रतिपालिका हेकारी काम रूपिणे बीज रूपे नमोस्तुते चामुंडा चंद घाते चेकारी वरदायिनी नित्य च भयदा नित्य नमस्ते मंत्र रूपिणी दां धीं धूं धूर्जटे पत्नी भां भीं भूं भगधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शाशीषु मे शुभं कुरु हुं हुं हुंकार रूपिण्यै जं 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 वनादिनी भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवानै ते नमो नमः अंकं चं तं तं पं यं शं भीं धुं ऐं भीं हं शं दिजाग्रं दिजाग्रं त्रोटय त्रोटय भीतं कुरु कुरु स्वाहा पापीं पुं पार्वती पूनां खां भीं धुं खेचरी तथा सां भीं सप्तशती देव्यां मन्त्रसिद्धिं करिष्य मे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रयागतिः तवे अभक्ते एव दातव्यं गोपितं लक्ष्य पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिः अरण्ये रोदनं यथा ओ अथ दुर्गा पद्धर सुते नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगन्मङ्गमादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमस्ते जगच्चन्द्रमानस्वरूपे नमस्ते महायोगि विज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे अनाथस्य दीनस्य विषदातुरस्य भयातस्य भीतस्य बद्धस्य जन्तुः त्वमेकागतिर्देवि निःसारकर्त्रे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे रण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये जले सन्तदेवाजगे प्रभाते त्वमेकागतिर्देविनिस्सारहेतु नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अपारे महानुस्तरे चान्तघोरे विपत्सागरे भज्यतां देहभाजां त्वमेकागतिर्देविनिस्तारनौका नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमश्चण्डिके चण्डधोषण्डलीला समस्थण्डिताखण्डलाशेषशत्रुः त्वमेकागतिर्भेद्रकन्दोहर्त्री नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे त्वमेका सदा राधिका सत्यवादी ननेकाखिलाक्रोधना क्रोधनिष्ठा इदापिङ्गला त्वं
Yeah.
उच्चारण किया जाएगा। आपसे भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो। हर भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे।
दर्पण बंधु, वे लोग बड़े ही भाग्यशाली होते हैं जिन्हें इस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजननी यक्त माता के दरबार में आकर के माँ के चरण बैठ करके माँ विभूति की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, इस जगजननी यक्त माता की कृपा प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस प्रकार का सौभाग्य जो प्राप्त होता है, जो माँ की बड़ी अपार कृपा होती है भक्तों पर, जो भक्तों के हृदय कमल में परम कल्याणमय बुद्धि का विराजमान होकर के उन भक्तों का मार्गदर्शन करती है। तो इस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस जगजननी जगत माता के दरबार में आकर के ऐसा सौभाग्य प्राप्त होना, ये बड़े ही भाग्य की बात है। आज महाशिवरात्रि ही बड़ा ही उत्तम दिन है, और कुछ ऐसे विशेष दिन होते हैं, विशेष तिथि होती है, ऐसे पर्व होते हैं जिनमें कई उखाण की विशेष पूजा आराधना जप पाठ स्नान दान इसका जो है अनंत गुणफल होते हैं। फिर इस प्रकार से किस तीर्थ पर जाकर के इस शक्ति पर प्रा करके ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए पुण्य अर्जित करने का, तो इसका अक्षय फल होता है, इस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। शिवरात्रि का जो उत्सव है वह तपस्या प्रधान उत्सव है, तप। आज के दिन साधक जन जो है सभी भगवान शिव के नाम का जप करें, क्योंकि ऐसे विशेष पर्व पर विशेष तिथि पर जो है कि यह जप जो है जिससे मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, कष्ट दूर होते ही, रोग से मुक्ति मिलती है, और जीवन यात्रा जो है सुख में हो जाती है। शिव का अर्थ है कल्याण करे, कल्याण को देने वाला। तो भगवान शिव जो सदा सर्वदा ये सबका कल्याण करने वाले हैं। तो जी तपस्या प्रधान उत्सव ही व्रत प्रधान उत्सव ही व्रत करना, आज के दिन जो है साधक जन जो है उपवास करते हैं, व्रत करते ही भोग से हट करके योग में जाने का उत्सव है, और इस प्रकार विकारों से हट करके निर्विकार भगवान शिव के सुख में जो है अपने को डुबोने का जो है ये उत्सव है। इस प्रकार से ये बड़ा एक विशेष दिन है जिसमें भगवान शिव की विशेष आराधना अर्चना पूजा कर करके भक्तजन जो है कल्याण को प्राप्त होते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो शक्ति प्रवाह करके आप भक्तों को जो सौभाग्य प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर जो है माँ भगवती आदि शक्ति इस गुहा के अंदर तीन दिव्य पिंड को विराजमान है, महाकाली महालक्ष्मी महावैष्णवी। तो आदि शक्ति जो मूल जड़ से एक ही पिंडी ही 5.5 फुट पिंडी ही चरण चरण गंगा बहती है, ऊपर आकर के तीन शक्ति बन गई। उन तीनों महाशक्तियों दर्शन जो है वह पिंडी के रूप में है, महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती। वास्तव में आदि शक्ति जो है एक ही, और जन्म है न स्वरूप है, संपूर्ण जगत जो है इन्हीं का रूप ही। और जब सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जब यही भगवती आदि शक्ति जो है तीन शक्ति के रूप में विराजमान होती है, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती के रूप में, सत्व रज तम तीन गुणों के रूप में, आ और मां ओंकार के रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। वास्तव में जय भगवती जो आदि शक्ति इस गुहा के अंदर जो विराजमान ही, और जहीं पर जो है भगवान शिव सामने जो है, जहां पर पिंडी ग्रह के दर्शन भाई सामने भगवान शिव है, ऐसी मान्यता है। जहां शिव है वहां शक्ति है, जहां शक्ति है वहां शिव जो है अवश्य में रहते हैं। शिव शक्ति पुरुष और प्रकृति कहते, जब प्रलय काल में जब पुरुष प्रकृति एक हो जाती है, फिर जो है जब सृष्टि का निर्माण होते ही, फिर जो है ये अलग अलग होती है। सृष्टि निर्माण का जो है जो विधि जो है जिस प्रकार से, और जहां पर जो देखी सारा विधान वैसे का वैसा है जो शास्त्र में लिखा हुआ है कि मूल जड़ से भगवती आदि शक्ति एक ही, वो प्राकृतिक रूप हुए हैं।
और जहाँ सामने भगवान शिव विराजमान, शिव और शक्ति कहते हैं भगवान शिव जो है ये जगत के पिता हैं और भगवती आदि शक्ति जो है ये जगत की माता है माँ जगदम्बा। शिव शक्ति का एक साथ जहां पर जो है आशीर्वाद प्राप्त करना, माँ की कृपा प्राप्त करना, माँ का भजन करना, माँ की आराधना, माँ की स्तुति करना, इसका जो है अक्षय फल होते है। इसलिए तपस्या लिए तपो भूमि ही, और ऐसे स्थान पर आकर के इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त होना ये बड़े भाग्य की बात होती है, क्योंकि बिना देवी की कृपा कोई यहाँ पर आ नहीं सकता। माँ का बुलावा होता है, भक्त माँ के दरबार में आते हैं, इसकी कृपा होती है, उसके चरणों बैठ करके माँ की साधना करते हैं, ऐसे कोई बैठ भी नहीं सकता। इसकी कृपा है और इसकी कृपा के बिना संसार का पत्ता भी जो है हिल ढुल नहीं सकता। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। वो शक्ति स्वरूप भगवती के चरणों में हम सब भक्तों का बार बार नमस्कार है। शिव शक्ति के चरणों में जो है भगवती आदि शक्ति और भगवान शिव जो है हम सबका कल्याण करें, हम भक्तों के कष्टों को दुखों को दूर कर करके सब ओर से हमारी वे रक्षा करें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे, सर्वदा अपनी दया दृष्टि हम पर बनाए रखे। बोलो सच्चे दरबार की जय। शिव पुराण में जो कथा मिलती है शिवरात्रि के प्रातः काल, तो मैंने बतलाया था कि भगवान शिव जो है आज के दिन जो है ये निराकार भगवान जो है साकार रूप में लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इनका प्रादुर्भाव हुआ था। और आज के दिन ही जो है शिव और पार्वती का विवाह भी हुआ था, तो इसलिए जो बड़ा एक विशेष महत्व है इस दिन का जो है शिवरात्रि, जो है फाल्गुन कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी जो महाशिवरात्रि कहलाती है, और ये तीन रात्रि दुर्गा सप्तशती में जिनका वर्णन मिलता है, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि च धारुणा, ये तीन प्रकार की जो रात्रि जो बताई गई है जिनमें रात्रि को पूजन होता है, भगवान की पूजा की जाती है। तो महारात्रि जो महाशिवरात्रि जो है जो रात्रि को भगवान शिव का पूजन किया जाता है, फिर दीपावली जो है जिसमें रात्रि को जो है मोहरात्रि जिसमें माँ लक्ष्मी का रात्रि को ही पूजन होता है, फिर जो है कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी जिसका पूजन रात्रि को होता है। तो इस प्रकार ये तीन रात्रि बतलाई गई हैं, और इसमें जो है कुछ ग्रंथों में जो भी वर्णन मिलता है कि होली, एक रात्रि होली का बतलाया गया है। तो इस प्रकार से यह है ये रात्रि पूजन का आप देखिए, अमावस्या से पूर्व जो है चतुर्दशी के दिन जो है शिवरात्रि का जय पर्व मनाया जाता है। शिवरात्रि अर्थात आप देखिए रात्रि, रात्रि को क्या होता है अंधकार, अंधकार होता है, और शिव की आराधना करने का इसलिए विशेष महत्व है कि हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है, जो हमारे अंदर जो है जो भी किसी प्रकार के दोष है, जो अज्ञान है, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ही भगवान शिव की विशेष आराधना कर करके जो है उसका आशीर्वाद, उसकी कृपा जो है ये प्राप्त की जाती है ये विशेष दिन, क्योंकि आज के दिन जब जो है रात्रि को भगवान शिव जो है निराकार भगवान जो है साकार में लिंग रूप में प्रकट हुए थे, तो कहते कोटि करोड़ों सूर्य का समान जिसका प्रकाश था, जो इस पूरी सृष्टि को प्रकाशित कर रहा था, ऐसे लिंग के रूप में जो है भगवान शिव का जो प्रादुर्भाव हुआ था। तो इसलिए ये अज्ञान से ज्ञान को लेने जाने वाला ये पर्व जो है, इसलिए इसका विशेष महत्व ही तो मैं आपको बताने जा रहा था कि भगवान शिव की कथा प्रातः काल तो मैंने बतलाया था किस प्रकार से इनका प्रादुर्भाव हुआ था, ब्रह्मा और विष्णु का परस्पर जो विवाद हुआ था और उन्हीं के बीच में जो है भगवान शिव जो थे जे प्रकट हुए थे, और जब जो है दोनों का वाद विवाद हो रहा था तो उस समय जो विवाद को मिटाने के लिए जो है भगवान शिव ने दोनों से कहा कि इस लिंग का जो है एक
नीचे चले जाइए एक ऊपर चले जाइए, दोनों आदि अंत का पता लगाइए। तो भगवान विष्णु नीचे की ओर गए थे और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए इस लिंग का पता लगाने के लिए। तो भगवान विष्णु जब वापस लौटे आकर उन्होंने कहा कि मुझे तो पता नहीं कहाँ चला कि इसका आदि कहाँ कहाँ से जो प्रारंभ हुआ है। अब जब जो ही ब्रह्मा वापस लौटे तो उन्होंने आकर कहा कि मैं तो इसके अंत का पता लगा करके आया हूं। तो भगवान शिव ने कहा कि इसका प्रमाण क्या है? तो उन्होंने कहा देखो जे केतकी नाम का फूल जो है इसको अपने साथ लाया हूं, मैं जानता था कि आप प्रमाण पूछेंगे, और जे कपिला गौ जो है इसको अपने साथ लाया हूं, जे वहीं पर थे और मैंने इसका देखा। तब जो है केतकी से जब पूछा गया तो उसने कहा कि हाँ मैं वहीं पर था और जिस प्रकार से ब्रह्मा ने इसका अंत जो देख लिया। तब जो है गौ माता से जब पूछा तो गौ माता ने भी अपनी गर्दन जो है हिलाई और कहा कि हाँ मैं वहीं पर थी और इसने इसका अंत देखा है, परंतु पीछे पूंछ को हिलाकर बतला दिया कि नहीं देखा है। तब भगवान शिव ने कहा कि केतकी आपने झूठ बोला है, इसलिए आप मेरी पूजा में वर्जित रहेंगे, केतकी का फूल जो है भगवान शिव पर नहीं चढ़ाया जाता। गौ माता को कहा कि माँ आपने जो है मुख हिला करके जब बतला दिया कि जो है इसने ये अंत देखा है, तो इस प्रकार से आपका मुख जो है जी पूजा का योग्य नहीं, आपके मुख की पूजा नहीं होगी, और पृष्ठ भाग से पूछ हिलाकर के आपने संकेत दिया कि नहीं देखा है सत्य बोला, तो इसलिए आपका पृष्ठ भाग जो पूजित होगा, इसलिए गौ माता की पूछ की पूजा होती है, और गौ माता का पृष्ठ भाग जो परम पवित्र माना गया है। गौ का जो है दूध दही घी और जो है यह गौमूत्र और गोबर जो पांचों चीजें पांच गब्बे जब बतलाए जिसे कहते हैं, तो ये पांचों चीजें जो गौ की परम पवित्र मानी गई। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो जी कहते हैं कि शिव पूजन जो है किस प्रकार से किसने इसका पूजन किया था, तो वाराणसी में एक ब्याह था गुरुद्रोह जिसका नाम था, और उसका बहुत बड़ा परिवार था, वन में रहता था और वहीं वन में जो है जीव हिंसा करता था, जीव जंतु को मारता और इस प्रकार अपने परिवार का जो है पालन पोषण करता, चोरी करता, इस प्रकार ऐसा जो ब्याज जो था। कहते कि एक दिन जो शिवरात्रि का दिन था, ऐसा दिन उसे प्राप्त हुआ कि प्रातः काल जो परिवार कहने लगा खाने के लिए घर में कुछ है नहीं, तो उसने अपना धन बाण जो उठाया तरकर उठाया और पानी की तुम्बी जो है जल की अपने कंधे पर रखी और शिकार के लिए चल पड़ा। प्रातःकाल से लेकर सायंकाल हो गया परंतु कहीं उसको कोई शिकार मिला ही नहीं। उस दिन भर और वह धीरे दिन था शिवरात्रि का दिन था, जे फाल्गुन जे कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, सूर्य अस्त हो गया। अब विचार करने लगा कि परिवार भूखा है, कुछ लेकर के जाना चाहिए, अब क्या करूं, कुछ मिला नहीं दिन भर जो प्रयत्न करने पर। तो विचार आया कि जहां पर जलाशय जो है, जहां पर जो है रात्रि को कोई ना कोई जीव जो है जल पीने के लिए आएगा, उसी को मार करके फिर घर लौटूंगा। जलाशय पर चला गया, वहां जाकर के जो है जलाशय के किनारे पर एक बेलपत्र का वृक्ष था, उसके ऊपर कंधे पर जो जल की तुम्बी रखी हुई है, दर्शमान तरकस सब जो है उसने रखा हुआ है और प्रतीक्षा में है, देख रहे हैं कहीं कोई जीव आता है तो उसके वध करूंगा। कहते कि रात्रि के पहले पहर में एक हिरणी जो है वहां पर आई, प्यासी, प्यास लगी थी जल पीने के लिए, और जल पीने के लिए जैसे वहां पर आई तो उस ब्याध ने देखा, तो उसके मारने के लिए उसको जो है तरकस से जो बाण निकाला और दंड पर श्रृंगार किया, तब जो है उस समय बाण निकालने की जो हलचल हुई उससे कहते हैं बिलपत्र, कुछ बिलपत्र और जल तुम्बी से नीचे गिरा और वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, शिवलिंग था और पहले पहर की पूजा अनजाने में उससे हो गई। वह पत्ते जो है वहां पर शिवलिंग पर गिरे, जल उसके ऊपर पड़ा और जिससे वह अनजाने में उससे जो है जो पहले पहर की पूजा होगी। उधर जो है उस हिरण ने जब उस वृक्ष के ऊपर आवाज सुनी,
खड़खड़ के, तो जो है उसने ऊपर की ओर देखा तो ब्याज को देखता है। उस हिरण ने जब देखा कि ब्याज ने वही तीर लेकर के मुझे मारने के लिए तैयार है, तो उसने जड़ से बोलकर कहा जी क्या करते हो। उसने कहा कि परिवार भूखा है, आपको मारूंगा। तब उसने कहा देखो ये शरीर जो है एक न एक दिन जो समाप्त होना ही है, आपका परिवार भूखा है, जो शरीर जो उनके काम आएगा इससे बड़ा और पुण्य क्या हो सकता है जो मेरा शरीर उनके काम आ जाए, परंतु मेरे बच्चे जो हैं घर पे हैं आश्रम में, मैं अपने उन बच्चों को अपनी बहन को सौंप करके जो है वापस आ जाऊंगी। मैं ये शपथ लेती हूँ, वचन देती हूँ, मैं वापस आ जाऊंगी, इस समय मुझे छोड़ दीजिए। तो उस ब्याध ने जो है उसे छोड़ दिया, कहा ठीक है जाओ, वचन दिए है वापस लौट करके आना। तो उसने कहा कि बिल्कुल आऊंगी। वह चलेगी। अब जो है दूसरे पहर में जो है अब उसकी बहन जो थी उसका उसकी खोज करते करते वहां पर आ पहुंची, और वह भी जब वहां जल पान करने लगे तब जो है उसी प्रकार से अब फिर उसने तरह से बाण निकाला, उसके मारने का उद्दत हुआ, तब जो हिलने से बाण से कुछ बेल पत्ते और तुम्बी से जल जो था नीचे गिरा शिवलिंग पर जो है, तो दूसरे पहर की पूजा होगी। उसे पता नहीं परंतु सत्कर्म हो रहा है। जैसे आप मां के दरबार में आए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि घर से चलते ही कई बार कोई ऐसी पवित्र तिथि होती है, अष्टमी होती है, नौमी होती है, कहीं एकादशी होती है, कहीं पूर्णिमा होती है, जहां अन्य कोई ऐसा पर्व होता है, ऐसे पवित्र समय में उनसे जहां पर आकर के ऐसा पुण्य कर्म हो जाते हैं जिसका फल जो है अक्षय होता है, और उससे भी ऐसे सत्कर्म हो रहे हैं और बुद्धि काम कर रही है, बैठा हुआ है। अब दूसरे पैर की पूजा होगी। तब उस हिरण ने जब ऊपर देखा कि ब्याज मुझे मारने के लिए तैयार है, तो उसने पूछा भाई क्या करते हो, तो उसने कहा कि आपको मारूंगा। तो उसने कहा कि देखो मैं मेरे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपने आश्रम वहां जो है जाकर के जो है अपने बच्चों को दूध पिला करके और अपने पति को सौंप करके फिर जो है वापस आपके पास आ जाऊंगी, इसलिए मैं शपथ लेती हूँ मुझे छोड़ दीजिए, और मैं बच्चों को दूध पिला करके फिर जो है अपने पति को उन्हें सौंप करके उन्हें धैर्य धरा करके वापस आपके पास आ जाऊंगी, आप मुझे मार लेना। ये अनर्थकारी शेर जो है जिस शेर को एक दिन समाप्त होना है, आपके आपके परिवार के जो काम आएगा इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। उसने भी यही बातें कहें और तब जो है उस ब्याज ने उसे भी छोड़ दिया, कहा कि ठीक है आप भी जाइए। तब जो है फिर वह प्रतीक्षा में है कोई और जीव आएगा। अब जो है तीसरे पहर में जो है हिरण उसका पति आया। अब वहां पर जब आया वह भी उसकी खोज करता हुआ जल पीने लगा, तब उसको भी वह ब्याज जो था उसने तर्क से बाण निकाला और मारने के लिए तैयार हुआ, और उस झटके से जो है उसके जो है बेल पत्ते और जल जो फिर नीचे गिरा, जैसे तीसरे पहर की पूजा होगी। तब जो उससे पूछा भाई क्या करते हो, उसने कहा कि आपको मार रहा हूं, आपको मारूंगा, मेरा परिवार भूखा है और कुछ मिला नहीं। तो उसने कहा देखो इस समय मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने आश्रम में जाकर के जो है अपने परिवार को बतला करके फिर मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास, वचन देता हूं वापस आऊंगा। और तब उसने कहा जो अब तक जो भी आया सबने यही कहा कि वापस आएंगे, परंतु कोई लौटा नहीं, ठीक है आप भी जाओ, उसे भेज दिया। तो कहते हैं ये तीसरे पहर की पूजा होगी। अब घर जो है आश्रम जब पहुंचे हैं वे दोनों हिरनी दोनों बहने परिवार में, और हिरन भी लौट कर वापस आया, और तीनों ने उस ब्याध को वचन दे करके आए थे। वहां आकर परसों वार्तालाप हुआ कि वे दोनों हिरनी जो दोनों बहने जो हैं वे भी वचनबद्ध हैं, हम तो उसे वचन दे करके आए वापस लौटेंगे। हिरन कहता है मैं वचन दे करके आया, मुझे भी जाना है। अब जो है उनने बच्चों को जो है पड़ोसियों को सौंपा कि हम इनका ध्यान रखना, हम तो जा रहे हैं। अब तीनों वहां से चले, परंतु बच्चे माँ
पिता के माता पिता के बिना रह नहीं पाए और भय में उनके पीछे पीछे दौड़े चले आए। बोलो सच्चे दरबार की जय। सबको सब पूरा परिवार जो है उस स्थान पर आ पहुंचा। अब व्यास बड़ा प्रसन्न हुआ कि सारे के सारे आ गए, इतना बड़ा शिकार मिला है। अब जो ही फिर उसने अपने तर्क से जो है बाण निकाला और हिलने से जो है बाण से वृक्ष से बेल पत्ते और जल जो तुम्बी से नीचे गिरा तो चौथे पहर की पूजा भी संपन्न होगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये शिवरात्रि की चार पहर की पूजा होती है इसी कारण से। अब व्यास ने चार पहर की पूजा होगी और इस प्रकार से अब सबके सब वहां पर आ गए मरने के लिए। तब जो उन्होंने कहा कि हम तो जो आपको वचन दिया था हम जब आपके पास आ गए, अब जो है हमारे शरीर को सार्थक कीजिए और मार करके अपने परिवार को भोजन करवाइए ताकि हमारा जीवन जो धन्य हो सके। इस प्रकार से जब जो उन्होंने सबने जो है उनसे कहा तब जो है व्याध के मन में आया कि जी पशु योनि में होकर के ऐसी इनकी सोच है जो परोपकारी है दूसरों की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, ऐसे जो परोपकारी जो जीव जो है जे हिरण और हिरण जो है और ऐसे जो भी बात कर रहे हैं कि हमारा शरीर जो हमारा ये सार्थक हो सके अपने भूखे परिवार को भोजन करवाइए। अब जो है कहना क्या मनुष्य होगी, मनुष्य होते हुए भी मैं कितना अत्याचारी हूं कितना पापी हूं कभी इस प्रकार के बुद्धियों का विचार आया ही नहीं। जीवन भर मैं पाप करता रहा, जीवन भर जब पाप ही पाप किए और कई को पुण्य किए ही नहीं। तब जो है वो कहने लगा कि नहीं अब आप जाइए आपको नहीं मारूंगा। ऐसा सदविचार जब आया तो कहते हैं कि नीचे भगवान शिव जो थे बापर शिव जो थे साक्षात जो है प्रकट हो गए और कहते कि उसके सिर पे हाथ रखा आशीर्वाद दिया और कहा कि भरम ब्रूहि आपकी जो इच्छा हम उसे वरदान मांगो। तो उसने कहा कि क्या वरदान मांगो, आपके साक्षात दर्शन हो गए सब कुछ मिल गया है अब तो मैं आपकी भक्ति ही करूंगा, भक्ति करूंगा सब कुछ त्याग करके भक्ति ही करूंगा जी मुझे वरदान दीजिए। तो कहते कुछ समय भगवान शिव ने जो है उसे वरदान दिया, उसका समय नाम था गुरुद्रुह। तो उसने जो है उसका नाम रखा भगवान शिव ने गुह और वरदान दिया कि त्रेता युग में जो है भगवान श्री राम जो है आपके मित्र बनेंगे आपके पास आएंगे और इस प्रकार से आपको उनकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त होगा और आपको उनके आशीर्वाद से पर मोक्ष की प्राप्ति होगी। वही ब्याज जो है सिंह भेरपुर में जो है निषाद राज गुह बना था जिसने भगवान श्री राम का स्वागत किया और वह हिरण जो थे सब परिवार वहां पर जो है जो विराजमान थे उन्हें साक्षात भगवान शिव के दर्शन हुए, साक्षात भगवान शिव के दर्शन हुए आशीर्वाद मिला वह सबके सब जो थे पर मोक्ष को प्राप्त हो गए। बोलो सच्चे दरबार की जय। इसलिए जो शिवरात्रि महाशिवरात्रि जो है ये बड़ा एक विशेष दिन होता है जिसमें क्यों पुण्य कर्म जो है ये जप पाठ स्नान दान भगवान शिव पर जो है जल चढ़ाने का चार पहर की पूजा का और जो है नाम जब ओम नमः शिवाय जो है इस मंत्र का जप करें मैंने प्रातःकाल बतलाया था और जो रुद्राभिषेक जो है रुद्राष्टाध्याय द्वारा जो है रुद्राभिषेक जो है किए जाते हैं भगवान शिव को जो है जल अभिषेक करें और जो है मंत्र जप करें और जो मंत्र जप क्योंकि जो विशेष रात्रि होती है जिसमें कि जप पाठ जो है इसका अक्षय फल होता है इस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। बोलो सच्चे दरबार की जय। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री मनिंद्र से माँ के चरणों में भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त संकीर्तन सहयोग देना सब मिलकर बोलना ताली बजाते हुए माँ को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न के लिए रिझाने के लिए ये पूजा अर्चना आराधना जो की जाती है। तो शिवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी भक्तों को सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं बहुत बधाई और शिवरात्रि के शुभ अवसर पर जो है भगवान शिव जो है आप सबको वरदान दें आप सबका कल्याण करें सबका मंगल करें। श्री मनिंदर जी जयकारा शिरोमणि जी का बोल सच
सच्चे दरबार की जय। भोले शंकर भगवान की जय। मिलकर सारे देवी देवता, मिलकर सारे देवी देवता पूजा करें भोलेनाथ की। आई है शिवरात्रि, 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 आई है शिवरात्रि। मिलकर सारे देवी देवता, मिलकर सारे देवी देवता, मिलकर सारे देवी देवता, मिलकर सारे देवी देवता पूजा करें भोलेनाथ की। आई है शिवरात्रि, 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 आई है शिवरात्रि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अपने अपने हाथ ऊपर उठाकर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। आज सभी ऊपर माँ भगवती आप भक्तों के हाजिर स्वीकार करें, आपके झोलियाँ भरे, आपकी मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशी से भर देता रहे। कृष्ण कन्हैया, तुमको पूजे कृष्ण कन्हैया, पूजे कृष्ण कन्हैया, राधा के संग बंसी बजैया, राधा के संग बंसी बजैया, ओ राधा के संग बंसी बजैया, राधा के संग बंसी बजैया, कृष्णा की बंसी की धुन भी, कृष्णा की बंसी की धुन भी महिमा सुनाए भोलेनाथ की। आई है शिवरात्रि, 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 आई है शिवरात्रि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लक्ष्मण प्यारा, सिया राम और लक्ष्मण प्यारा, करते हैं अभिषेक तुम्हारा, करते हैं अभिषेक तुम्हारा, करते हैं अभिषेक तुम्हारा, करते हैं अभिषेक तुम्हारा, हनुमान विक्रम बजरंगी, हनुमान विक्रम बजरंगी महिमा सुनाए भोलेनाथ की। आई है शिवरात्रि, आई है शिवरात्रि, कहो आई है शिवरात्रि, आई है शिवरात्रि,
शारदा माई ब्रह्मा जी और शारदा माई ब्रह्मा जी और शारदा माई फूलों की वर्षा बरसाई फूलों की वर्षा बरसाई फूलों की वर्षा बरसाई वर्षा बरसाई नारद जी ने फेरी मीरा महिमा सुनाए भोलेनाथ की आई है शिवरात्रि 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 शंकर भगवान की जय ओ शिवरात दिया शिव नु बधाइयां शिवरात दिया रात दिया शिव नु
बधाइयां बच गई मात्र दी बादी बादी ते अज शिव कौरा दी है शादी मेरे बम बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बम बोले राष्ट्रपति जी बम बम बोले राष्ट्रपति जी बम बम बोले गौरापति जी बम बम बोले बम बम बोले बम बम बोले भोले दी बारात चढ़ी ओ भोले दी बारात चढ़ी ओ जहो भोले दी बारात चढ़ी ओ जहो शिव दी बारात चढ़ी ओ जहो जहो भोले दी बारात चढ़ी गज बज के सारे आन भंग पीती रज रज के भोले दी बारात चढ़ी गज बज के सारे आन भंग पीती रज रज के भोले दी बारात चढ़ी गज बज के सारे आन भंग पीती रज रज के भोले भोली बारात चढ़ी शिव की बारात चढ़ी भोले की बारात चढ़ी शिव की बारात चढ़ी भोले की बारात चढ़ी गज बज के सारे आन पंग पीते रज रज के बारात चढ़ी गज बज के सारे आन पंग पीते रज रज के बराती आए ओहो के बराती आए सच सच के सारिया ने पंग पीती रज रज के बन के बराती आए सच सच के सारिया ने पंग पीती रज रज के भोले दी बारात चढ़ी गज बज के सारिया ने पंग पीती रज रज के भोले दी बारात चढ़ी गज बज के सारिया ने पंग पीती रज रज के सारिया ने सारिया ने सारिया ने पंग पीती पीती रज रज के बेकने के आए सारे भज भज के सारे आने भंग पीते रज रज के ओ शिव जी बारात चढ़ी गज बज के जहो सारे आने भंग पीती रज रज के शिव जी बारात चढ़ी गज बज के सारे आने भंग पीते रज रज के शिव जी सारे महिमा गावी शिव जी सारे महिमा गावी मैं शिव जी कहे शिवानी महिमा देव जी कहे शिवानी शिव जी सारे महागारी मैं शिव जी कहे शिवानी साधवीन पक दिन साधवीन पक साधवीन पक दिन बज बज के रहो सारे आन भंग पीती रज रज के साधवीन पक दिन बज बज के सारे आन भंग पीती रज रज के भोले की बारात चढ़ी गज बज के सारे आन भंग पीती रज रज के भोले की बारात चढ़ी गज बज के सारे आन भंग पीती रज रज के Oh,
ਵੱਜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਗ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਮੁਰਲੀ ਬਲਾ ਜਲ ਘੱਟ ਵੱਜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਗ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਛਾਈਆਂ ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਛਾਈਆਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਛਾਈਆਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ ਤਾੜੀ ਬੀਨਾ ਤਾੜੀ ਬੀਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੰਗ ਪੀਤੀ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੰਗ ਪੀਤੀ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਚੜੀ ਕੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੰਗ ਪੀਤੀ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਮੁਰਲੀ ਬਲਾ ਤੋਂ ਚੜੀ ਕੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੰਗ ਪੀਤੀ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਪਤੀ ਜੀ ਬੋਲੇ ਗੋਰਾ ਪਤੀ ਜੀ ਬੋਲੇ ਭੁੱਲ ਦੀ ਬਰਾਤ ਚੜੀ ਕੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਰਹੋ ਹਾਰਿਆ ਹੋ ਭੰਗ ਪੀਤੀ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਬਰਾਤ ਚੜੀ ਕੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੰਗ ਪੀਤੀ ਰੱਜ 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 ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਲ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਬੋਲੀਏ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਲ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਜੋਤਿ ਧਰਮ ਕਾ ਦੀਪਕ ਜਾਨੂ ਜਾਲਾ ਖਿਲ ਰਹਾ ਭਾਂਤ ਗੁਫਾ ਮੈਂ ਗਾਉਂ ਮੈਂ ਹਵਨ ਕੀ ਆਜੋ ਜਾਲਾ ਕਰ ਦੇ ਮਾਂ ਆਜੋ ਜਾਲਾ ਕਰ ਦੇ ਮਾਂ ਸਤ ਕੀ ਜੋਤਿ ਧਰਮ ਕਾ ਦੀਪਕ ਜਾਨੋ ਜਾਲਾ ਖਿਲ ਰਹਾ ਮਾਤਾ ਸ਼ੁਭਾ ਮੈਂ ਗਾਉਂ ਮਾਈ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਕੀ ਆਜ ਜਾਲਾ ਕਰ ਦੇ ਮਾਂ ਆਜ ਜਾਲਾ ਕਰ ਦੇ ਮਾਂ ਸੱਚ ਕੀ ਜੋਤਿ ਧਰਮ ਕਾ ਦੀਪਕ ਧਰਮ ਕਾ ਦੀਪਕ ਜਾਨੂ ਜਾਲਾ ਖਿਲ ਰਹਾ ਮਾਤਾ ਸੁਰਵਾ ਮੈਂ ਗਾਉਂ ਮਾਈ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਕੀ ਆਜ ਜਾਲਾ ਕਰ ਦੇ ਮਾਂ ਆਜ ਜਾਲਾ ਛਾ ਨਾਰਾ
ज्ञान उजाला खिल रहा माया युवा में गाऊं आई तेरे भवन की आज उजाला कर दे माँ आज उजाला कर दे माँ सत्य की ज्योति धर्म का दीप ज्ञान ज्योति धर्म का दीपक ज्ञान उजाला खिल रहा माया शोभा में गाऊं माई तेरे भवन की आज उजाला कर दे माँ आज उजाला कर दे माँ दीपक ज्ञान उजाला खिल रहा माता शोभा में गाऊं माई तेरे भवन की आज उजाला कर दे माँ आज उजाला कर दे सत्य की ज्योति धर्म का दीपक ज्ञान की ज्योति धर्म का दीपक ज्ञान उजाला खिल रहा क्या सुबह में गाऊं माई तेरे भवन की आज उजाला कर दे माँ 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 बोल सच्चे दरबार की जय श्री मनिंद्र जी जयकारा श्री रमन जी बोल सच्चे दरबार की
मेला 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 नी शेरावाली दा मेला 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 पर्वत पवन सजाया उच्च पर्वत पवन सजाया उच्च पर्वत पवन सजाया उमा ने कन्या रूप बनाया उच्च पर्वत पवन सजाया उच्च पर्वत पवन बनाया उच्च पर्वत पवन सजाया खेल खिलायल वेला नी शेरावाली दा मेला खेल खिलायल वेला नी शेरावाली दा मेला खेल खिलायल वेला जगत चमेला नी शेरावाली दा मेला छटके जगत चमेला नी शेरावाली दा मेला छटके जगत चमेला नी शेरावाली दा मेला 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 नी शेरावाली दा मेला 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 नी शेरावाली दा मेला 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 नी शेरावाली दा मेला 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 नी शेरावाली छतर दी पेंट चढ़ाई प्यारी छतर दी पेंट चढ़ाई प्यारी छतर दी पेंट चढ़ाई राजा कवर बना पुजारी छतर दी पेंट चढ़ाई प्यारी छतर दी पेंट चढ़ाई प्यारो छतर दी पेंट चढ़ाई प्यारो पड़के मैया दा चेला नी शेरावाली दा मेला पड़के मैया दा चेला नी शेरावाली दा मेला पड़के मैया दा चुनरी छतर दे पेटल आईया चुनरी छतर दे पेटल आईया सकता तेरे दर से आईया चुनरी छतर दे पेटल आईया चुनरी छतर दे पेटल आईयो चुनरी छतर दे पेटल आईयो नारियल भजन रे लानी शेरावाली दा मेला नारियल भजन रे लानी शेरावाली दा मेला नारियल भजन रे लानी शेरावाली दा मेला नारियल भजन रे लानी शेरावाली ओ मेला 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 नी शेरावाली दा मेला 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 नी शेरावाली दा मेला ओ मेला 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 नी शेरावाली दा मेला 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 नी शेरावाली मेला 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 नी जोता वाली दा मेला 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 नी जोता वाली दा मेला
कंपा से आप भक्त जनों के सायंकाल की आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा हैं, जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में और विशेषतया आज महाशिवरात्रि के दिन माँ के चरण में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और ये श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं, उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भवन भव श्रीमान सस्वे भव प्रज्ञा भवन भव भूर्भूत करणे धाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव धैर्य दर्प दलने व्यापार दक्ष भव श्री शंबर पाद पुनर्दह सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संत पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशस्तु मित्रणाम देश शरीर वर्चस्व आयुष्मारोग्यम विजात शुमानम हि धनम धान्यम पशु बहुपुत्र लाभ सत्संवत्सरम दीर्घमायु अस्तु दीर्घमायु। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धन्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करवल सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, संभल कर बोलना ताली बजाते हुए। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुम कौन सदन जावत मैया जी कौन सदन जावत हरि ब्रह्मा शिव रे ओम जय अम्बे खड़ग खबर दारी सुर नर मुनि जन सेवत
संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी मैया वर मुद्राधारी मनवाचित फल पावत सेवक नर नारी ओम पूर्ण करण वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय बोलो शिव शंकर भगवान की जय हर 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 महादेव तो बोलिए ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि
बुद्धिरूपेण संस्थिता बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः दुर्गा माता की जय कृष्ण माता की जय लक्ष्मी माता की जय सरस्वती माता की जय सच्चे दरबार की जय। तो परम पूज्य पुजारी जी मां विभूति की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करके अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत मां विभूति की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सभक जनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और मां विभूति से अपने कल्याण के लिए परिवार के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी, कमल बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, 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 जय माता दी। सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर के मां से प्रार्थना करेंगे। सब मिलकर के बोलना देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम देहि मे परमं सुखम रूपं देहि जयं देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि दुशो जहि ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् दुःखभाग् भवेत् शान्तिः शान्तिः आरती क्रम देखे सुने और मन ही मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते ही आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए। माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी।
भगवती माता रानी जी के दरबार में आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आशीर्वाद। शिव और शक्ति आप सबका अंदर गुफा में इंतजार कर रहे हैं, अपने बच्चों का, और आप भी इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कब आरती खत्म होगी, मां से मिलेंगे, भोलेनाथ जी से मिलेंगे। पूरे भोलेनाथ जी आपका इंतजार कर रहे हैं अंदर मस्त होकर। आप सभी
जिस भाव से, जिस प्यार से और जिस विश्वास से यहाँ पर आए हुए हैं जग जननी, वो आपके अच्छे अच्छे ड्रीम पूरे करे और आप सबकी झोलियां खुशियों से भरे, आप सबकी हाजिरियां कबूल करें और अपने दरबार में आप सबको जल्दी जल्दी बहुत सारी खुशियों के साथ फिर से बुलाएं। अभी सभी ने आरती का आनंद लिया, सभी को आरती का आनंद आया। आचार्य जी ने, शास्त्री जी ने आपको बहुत अच्छा सुनाया होगा, लेकिन समय ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जब मस्ती होती है तब समय का ध्यान नहीं होता। हमने भी सोचा था आपके साथ गुणगान करेंगे, लेकिन अंदर ही मस्ती मार आए हम तो। लेकिन आपके साथ दो मिनट के लिए सभी बोलिएगा पूरे मन के साथ और जोर से बोलिएगा। बैल चढ़े शिव जी मिले, गरुड़ चढ़े भगवान, सिंह चढ़ी दुर्गा मिली, मेरा तीनों को प्रणाम, मेरा तीनों को। आज का दिन भोलेनाथ सामने आते हैं, जहां मर्जी बैठे होंगे आज उनको ढूंढ रहे हम थोड़ी देर के लिए। आज भोले बाबा के दर्शन करेंगे, आज भोले बाबा के दर्शन करेंगे, यहां भी होंगे वही ढूंढ लेंगे, भोले बाबा के दर्शन करेंगे, यहां भी भोले के सर पे जे चंदा विराज, भोले के सर पे जे चंदा विराज, हम उस गंगा की लहर बनेंगे, हम उस गंगा की लहर बनेंगे, आज भोले बाबा के दर्शन करेंगे, आज भोले बाबा के दर्शन करेंगे, भोले के माथे पे चंदा विराज, भोले के माथे पे चंदा विराज, हम उस चंदा की किरने बनेंगे, हम उस चंदा की किरने बनेंगे, आज भोले बाबा के पता चल जाए आरती हो गई, आपको भी पता चल जाए। बोलो सच्चे नारी जय।
ਸੋਤਾ ਮਸਤੀ ਬੋਲੋ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਬੋਲੋ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਹਰ 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 ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ।